हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये जो वीडियो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की है और एक्सेस में एक खास चीज आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक टेबल बनाई हुई है जिसमें आधार आईडी है, नेम ऑफ कस्टमर है और पैन आईडी है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालता हूँ, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर यहाँ पे एंटर किया, आप मान लीजिए या किसी का आधार कार्ड नंबर हो सकता है, और यहाँ कस्टमर का नाम एंटर किया, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ गुंजन सिंह, ये एक कस्टमर का नाम है और इनकी आधार आईडी है। अब फिर यहाँ पे पैन आईडी की बात आती है, ठीक है, तो यहाँ पे पैन आईडी भी एंटर करते हैं, ठीक है, ये एंटर कर दिया, तो यहाँ पे एक पैन आईडी और एक आधार आईडी दोनों एंटर किया, ठीक है। अब क्या ये सेम आधार आईडी मैं दोबारा एंटर कर सकता हूँ? क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो इसे आधार आईडी को मैंने प्राइमरी की बनाया, लेकिन पैन आईडी को प्राइमरी की नहीं बनाया, ये भी ध्यान रखिएगा, पैन आईडी को हमने प्राइमरी की बनाया ही नहीं है, ठीक है, आधार आईडी को ही प्राइमरी की बनाया है। तो आधार आईडी को तो हम डुप्लीकेट एंटर नहीं कर सकते क्योंकि आधार आईडी प्राइमरी की है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो लगा हुआ है ना, ये की सी जो बनी हुई है, ये डेटाबेस कोई भी डेटाबेस आप पढ़े, माई एसक्यूएल पढ़ लीजिए, एसक्यूएल सर्वर पढ़ लीजिए, ओरेकल पढ़ लीजिए, तो किसी भी डेटाबेस के अंदर ये प्राइमरी की है। तो जब प्राइमरी की बना दिया तो इसमें तो डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं होगी, लेकिन क्या इसमें डुप्लीकेट वैल्यू एंटर होगी, आइए देखते हैं। यहां पर आए और इसको एक बार चेक करते हैं, आधार आईडी क्या इसमें डुप्लीकेट वैल्यू एंटर हो सकती है, अगर हो सकती है तो कैसे। तो यहाँ पे ये डुप्लीकेट वैल्यू तो एंटर हो गई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फिर तो प्राइमरी की का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर एक और नाम लिखा युवराज सिंह, ठीक है, युवराज सिंह लिख दिया और यहाँ से हम स्किप करते हैं। तो जैसे स्किप करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ आता है द चेंजेस यू आर रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यू इन द इंडेक्स प्राइमरी की। प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यू एंटर कर दिया, तो प्राइमरी की तो यही है, तो यहां पर अगर मैं 3 कर देता हूं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो कोई एरर नहीं आता है, लेकिन क्या इसको भी डुप्लीकेट रखा जा सकता है क्योंकि इसे तो प्राइमरी के नहीं बनाया। तो यहां पर अगर मैं इसको कॉपी करके यहां पेस्ट करता हूं और फिर नीचे आता हूं तो यहां पर डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्ट करता है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, देख सकते हैं ना, यहां पर डुप्लीकेट वैल्यू एक्सेप्टेबल है जबकि ये कोई प्राइमरी की नहीं है। और फिर यहां पर आते हैं, यहां पर एक और आधार आईडी डाल देते हैं और यहां पर एक और नाम लिख देता हूं मैं, दुर्गेश ये नाम लिख दिया एक, और यहां पर आते हैं, ठीक है, और सेम फिर से मैं यहां पे एंटर करता हूं तो यहां पे पैन आईडी जो है, यहां पे देख सकते हैं सेम पैन आईडी मैं बार बार एंटर कर रहा हूं और ये एक्सेप्ट कर रहा है, देख रहे हैं। और अगर इसको मैं क्लोज करता हूं यहां से तो ये क्लोज भी हो गया और सेम पैन आईडी ही एंटर हुआ है, देख सकते हैं। लेकिन ये तो प्राइमरी की रहा, लेकिन कभी कभी आपको ऐसी जरूरत पड़े कि आधार आईडी के साथ साथ पैन आईडी की भी जरूरत है, और पैन आईडी तो डुप्लीकेट होती नहीं है भाई, जो मेरा पैन कार्ड नंबर होगा वो आपका थोड़ी ना होगा, और दोनों ही फील्ड से एक साथ लिखनी हो आपको, दोनों ही डेटा एक साथ फिल करना हो एक ही टेबल में, तो कैसे ये फिल करेंगे, तो आइए दिखाता हूं। यहां पर मैंने पैन आईडी लिया हुआ है, इसका डेटा टाइप क्या है, शॉर्ट टेक्स्ट है, देख सकते हैं, और यहां जब आएंगे टेक्स्ट है, सॉरी शॉर्ट टेक्स्ट नहीं है, शॉर्ट टेक्स्ट 2007 में नहीं होता है, तो यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इंडेक्स में आकर के आपको क्या करना है, ये जो इंडेक्स दिया गया है यहां पर आकर के आपको करना है यस नो डुप्लीकेट्स, बस आपको ये कर देना है और फिर आप देखेंगे कि आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये यस, जैसे ही यस नो डुप्लीकेट किया तो यहां पर जैसे ही हम आएंगे तो ये फिर हम आगे नहीं जा पाएंगे, ठीक है, ये देखिए यहाँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डुप्लीकेट रहने देता हूँ, ठीक है, डुप्लीकेट ओके कर दिया और यहां से चेंजेस कर रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे थोड़े थोड़े चेंजेस करूंगा, यहां पे सी कर दिया, यहां पे डी कर दिया और अब मैं यहां पर यस नो डुप्लीकेट कर देता हूं, यहां से जाकर के डिजाइन व्यू पे जाकर के, और यहां से करना यस नो डुप्लीकेट, ध्यान दीजिएगा यस डुप्लीकेट ओके है लेकिन अभी कर दिया यस नो डुप्लीकेट, तो ये बन जाती है कंपोजिट की, कौन सी की बन जाती है, कंपोजिट की। अब देखिए यहां पर डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं हो सकता, जैसे मान लीजिए यहां तो प्राइमरी की तो बना दिया, तो प्राइमरी की तो हो ही नहीं सकता, तो क्या इसमें हो सकता है क्या, अब लेकिन अब यहां पर भी नहीं हो पाएगा, हिना खान कर देते हैं एक नाम। अब यहां पर आते हैं, अब सेम यही चीज जो यहां पे है इसको मैं अगर यहां पे डालने की कोशिश करता हूं, कॉपी करता हूं देन यहां पेस्ट करता हूं तो क्या ये एक्सेप्ट करेगा, जैसे ही आएंगे तो कहेगा कि डुप्लीकेट वैल्यू है, देखिए ना, तो ये प्राइमरी की नहीं बनाया लेकिन ये बन गई कौन सी की, कंपोजिट की, कंपोजिट की प्राइमरी की नहीं होती है लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ भी नहीं करती है, ये बात याद रखिएगा, कंपोजिट की कोई प्राइमरी की नहीं होती है लेकिन ये डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं अलाउ करती है। अगर इस तरह की आपको जरूरत पड़ती है तो आप कर सकते हैं डेटाबेस में, और बड़ा बड़ा डेटाबेस बनाना है तो आसानी से ऐसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो प्राइमरी की और कंपोजिट की दोनों में आई होप कि आपको अंतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सूरज सर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।